आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लंबकोणीय प्रक्षेप, जिसे कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिसे आप गुटका भी कहते हैं। मैं आज बताने जा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं, आपकी कमेंटें भी आई थी, तो मैंने 2018 का सॉल्व किया है जो आपका लंबकोणीय प्रक्षेप है। तो एक बार देखते हैं किस तरह का वो क्वेश्चन आया था, क्योंकि वो बुकों में क्वेश्चन भी नहीं लिखा भी, तो इसलिए कुछ अलग था इस क्वेश्चन में, तो इसलिए डाला। देखते हैं आपको पहले पेपर में क्वेश्चन, मैंने यहाँ लिख रखा टॉप फ्रंट साइड किस तरह दिखेगी। सो द आइसोमेट्रिक व्यू ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्रॉ टू अ सुटेबल स्केल फॉलोइंग व्यूज इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है आपको। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको ये बनाना है, गिविंग कंप्लीट डायमेंशन, फ्रंट व्यू बनाना है इसका, साइड व्यू, और आपको प्लान बनाना है। प्लान जो आप टॉप से देखेंगे वो आपका प्लान होता है, फ्रंट से देखेंगे वो आपका एलिवेशन होता है, फ्रंट व्यू हो गया आपका, और जो साइड से देखेंगे, राइट साइड से देखेंगे राइट साइड व्यू, और लेफ्ट साइड से देखेंगे लेफ्ट साइड व्यू। तो इसको हम पहले बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉप में बताता हूँ। देखो सबसे पहले देखो टॉप से आपको क्या क्या दिखेगा। एक तो ये चीज़ दिखेगी आपको, मैं आपको स्केच कर देता हूँ, ये चीज़ आपको टॉप से दिखेंगी, ये चीज़ें दिखेंगे आपको टॉप से। देखो ये बना रखा, यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन 42 और यहाँ से यहाँ तक 45, आपको ओनली टॉप में यही डायमेंशन बनेंगी। ये आपने 42 ली यहाँ से यहाँ तक, और आपने देखो मैंने लिख भी रखी है ऑल डायमेंशन एमएम होंगी, सारी डायमेंशन इसमें एमएम में होती हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका 42 हो गया, और यहाँ से 45 एक लाइन ड्रॉ करी। अब ऊपर से बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक 42 कितना ही है, 8 mm, 8 mm नीचे आएंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे पूरा ये 42 का, और इसके बाद में 18 mm आपको यहाँ दिख रहा है इतना, 18 mm का ये 18 mm पे लाइन ड्रॉ कराएंगे। उसके बाद में आपको 5 mm के ये दिख रहे हैं, 5 mm के इस तरह के बनाओगे, और ये कितना ऊपर है आपका 11 है, ये आपका 11 mm आप ऊपर आ गए। इसके बाद अब बनाते हैं हम फ्रंट से हमको क्या क्या दिखेगा वो चीज़, तो मैं आपको इसको मिटा देता हूँ। अब स्केच करते हैं जो आपको फ्रंट से दिखेगा। देखो फ्रंट से आपको ये चीज दिखेगी, और ये 5 mm वाले फ्रंट से भी दिखेंगे आपको, और टॉप से भी दिखेंगे, और आपको ये सर्कल भी दिखेगा इसमें। तो देखो सबसे पहले 42 mm की आप लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसमें ना मापने की जरूरत नहीं, इसके आप प्रोजेक्शन लाओगे नीचे, सारे के सारे प्रोजेक्शन नीचे लाएंगे आप, और जितना प्रोजेक्शन आएगा ऑलरेडी इतना 42 है हमारा, इतना 42 का हो गया। फिर देखो क्वेश्चन के अनुसार 10 mm आप ऊपर गए, इसमें कुछ नहीं होता, जितना आपको दिखता बस वही बनाना होता है। 10 mm ऊपर जा रहा है, 10 mm आप ऊपर गए। उसके बाद में आपको 5 mm की ये साइडों वाली दिखी, 5 mm की आपने ये बनाई। इसके बाद में फिर हम ऊपर चलते हैं, पूरी लाइन ड्रॉ करते हैं 62 mm तक, 62 mm तक हमने ये पूरी लाइन ड्रॉ करी। जो आपके 5 mm के साइड में दिख रहे हैं ये आपके 45 mm तक जाएंगे। देखो यहाँ पे ये आपका 45 mm तक जाएगा, 62 mm के ऊपर एक लाइन खींचोगे। इसके बाद में हमें नहीं पता अभी कितना है, कोई इसमें डायमेंशन हमें नहीं दी, तो हमारी 18 वाले प्रोजेक्शन ऊपर से आने, एक 18 की लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, इसके लेंगे इनको हम आपस में मिला देंगे। ये मिलाने के बाद में फिर क्या होता है हमारा, यहाँ से 17 mm, सॉरी 20 mm, देखो ये दे रखी डायमेंशन आपकी, देखिए यहाँ पे 20 mm के यहाँ से 20 mm नीचे आपका एक सर्कल है 14 डाया का, 14 डाया, यहाँ से आप 20 mm नीचे आएंगे, सपोजिट यहाँ से यहाँ तक आपका ये 20 mm है, 20 mm आप नीचे आएंगे, और एक डाया यानी 7 रेडियस का आप एक सर्कल खींचेंगे। अभी आपको फ्रंट से दिख रहा सर्कल, मैंने 14 डाया लिख रखा है यहाँ पे, ये आपको फ्रंट से दिखेगा, तो टॉप से तो दिखेगा नहीं। अब इसके हम डॉटेड लाइन टॉप में करते हैं, ये डॉटेड लाइन उसी की आती है टॉप में, साइड में भी इसकी डॉटेड लाइन होंगी, क्योंकि हमें ओनली फ्रंट में दिखता है, फ्रंट में इसलिए बनता है, डॉटेड लाइन हो गई। इसके बाद में ये आपका क्या बन गया, प्लान बन गया जिसे मैंने टॉप का, फ्रंट व्यू बन गया जिसे मैंने एलिवेशन का, अब बचा आपका राइट साइड व्यू। राइट साइड व्यू देखिए आप, मैं इसमें भी स्केच कर देता हूँ आपके लिए कि क्या क्या चीज आपको राइट में दिखेगी।
इतना ये सारा का सारा आपको राइट साइड से यानी साइड व्यू आपका होगा। अब देखो साइड व्यू में प्लान जो आपका टॉप उसके प्रोजेक्शन देखो, सारे के सारे प्रोजेक्शन आप नीचे लेंगे। और साइड में आपको मैंने स्केच किया क्या क्या दिखा। सबसे पहले 10 mm आप ऊपर जाएंगे, 10 mm ऊपर गए। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक 34 mm आएंगे, यहाँ से यहाँ तक 34 mm आए। ये हमारी कोई लाइन नहीं है, कोई लाइन नहीं खींचेंगे, ये हमने सॉल्व कर दी। इसके बाद में ये ऊपर गए हम, यहाँ से यहाँ तक हम ऊपर जाते हैं। फिर 62 पूरी 74 की लाइन है, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो पूरा 74 है। ये भी आपका, ये आपका 8 है, 8 mm का है पूरा, क्योंकि इसे आप मापने की जरूरत नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्शन आ रहा है। और ये जो डॉटेड लाइन है आपकी, ये हमारा जो मैंने बताया था आपका सर्कल है, फ्रंट से दिख रहा है, इसकी टॉप में भी डॉटेड बनेंगी और साइड में भी। तो ये आपकी डॉटेड लाइन साइड में है। तो ये वाली डॉटेड लाइन है देखो, जब आप यहाँ से देखोगे ये चीज़ तो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन ये चीज़ें आपकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी डॉटेड आएंगी। वही चीज़ मैंने यहाँ दिखाई, ये आपकी लाइन डॉटेड आई हुई है। ठीक, ये आपका साइड व्यू देखो, आपका फ्रंट बन गया, साइड व्यू बन गया, प्लान व्यू बन गया। ये तीनों चीज़ आपने इसकी पूछी है, प्लान, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। इसमें मैं पहले बता चुका हूँ सारी डायमेंशन mm में है, सारी डायमेंशन mm में है। और अगर इसमें आपको बनाने में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।